बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान का दिल और नज़र काबू में ना हो तो वसवसे पैदा होते हैं। अगर तुम्हें इर्द गिर्द अंधेरा नज़र आ रहा है तो एक बार दोबारा गौर से देखो, हो सकता है तुम खुद ही रोशनी हो। खामोश रहो, सिर्फ खुदा ही तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सकता है। तुम जमीन पर नहीं रहते, तुम उस पर गुजर रहे हो। हर किसी को किसी ना किसी काम के लिए बनाया गया है और इस काम की तमन्ना हर दिल में डाल दी गई है। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से नाराज होता है तो उसे पाकीजा लोगों की ऐब जोई में मशगूल कर देता है। दरवेशों के अलावा दुनिया के बाकी लोग बच्चों की मानद हैं, जो कि दुनिया के खेल में मगन हैं। जो दर्द तुम महसूस करते हो वो पैगामात हैं, उन्हें गौर से सुनो। याद रखो, अमन का दरवाजा तुम्हारी अपनी ही जात में खुलता है। जिंदगी में जब भी तुम तन्हाई महसूस करो तो याद रखो, खुदा ने सबको दूर कर दिया ताकि पीछे सिर्फ तुम और वो रह जाए। जो शख्स खुशगवार जिंदगी गुजारना चाहता है वो तलख मौत मरता है। अपना हक छोड़ना भी सदका है। खाली गुस्सा ज़िबा कर दिया करो, ये भी सदका है। जीना चाहते हो तो परिंदों से सीखो, क्योंकि जब वो चहकते हैं तो उन्हें परवाह नहीं होती कि उनका चहकना किस किस को नागवार गुजरता है। अलविदा सिर्फ उनके लिए है जो आंखों से प्यार करते हैं, क्योंकि जो दिल से प्यार करते हैं उनके लिए जुदाई नाम की कोई चीज नहीं। दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक हमें समझने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियां पैदा फरमाए। आमीन। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।